Good morning students, I'm your teacher here. In the previous lecture, हमने क्या किया था? हमने की थी exercise किस unit की? Sonal वाले unit की, जिसमें हमने हमारी A, B, C, D पार्ट कर लिए थे और D के भी हमने 2 questions done कर लिए थे. Okay, so today we will continue with our chapter question number 3. So let's get just started the video. Yeah, so I am requesting you all to open your rough notebook and your book with yourself so that you can write down the answer in your notebook. Okay, so the third question is here. Where was Sonal's house? What did the children do there? Sonal ka ghar kahan par tha? Aur jo children the wo wahan pe kya karte the? Okay, so the answer is Sonal's house was situated near a little brook. जो सोनल का हाउस था वो कहाँ था, हमने चैप्टर में पढ़ा था, ब्रुक के पास, मतलब एक छोटे स्ट्रीम के पास, या आप ऐसे कह सकते हो एक छोटे जहाँ पे हम जिसे हम कह सकते हैं छोटा पानी का तालाब होता है, उसे हम क्या कहते हैं? ब्रुक, as we just discussed that thing in our chapter, okay? Away from the houses of the other workers. उसका जो घर था अवे मतलब दूर था from the houses of the other workers. जो other workers थे उनके houses से उसका house अलग था. Children do fishing there. उसने पूछा था हमसे question के अंदर कि what did the children do there? और उसका answer क्या किया हमने यहाँ पे? Sorry. Children do fishing there. Children क्या कर रहे थे वहाँ पे? Fishing कर रहे थे. ठीक है. और हमारा next question था, why did Sonu plant sugar cane? जो सोनू थी उसने sugar cane को plant क्यों किया था? Okay? इसका मतलब क्या हुआ? Sugar cane तो हमें पता ही है. Sugar cane हमें किसे कहते हैं? हम गन्ने को कहते हैं, जो हम नॉर्मली हम हमारे जो खेत होते हैं वहाँ पे हम जो जिस चीज़ को ग्रो करते हैं. और इसका आंसर आएगा, आपको ये सारे आंसर्स कहाँ नोट डाउन करने हैं? आपकी रफ नोटबुक के अंदर. इसका आंसर है सोनू प्लांटेड शुगर केन टू अर्न मनी. सोनू ने शुगर केन को क्यों प्लांटेड मतलब वहाँ पे क्यों उगाया था? किस लिए उगाया था? मनी को अर्न करने के लिए उगाया था. अर्न मतलब कमाना, मनी मतलब पैसा. सो ही कैन बाय स्वीट्स फॉर बीयू फेस्टिवल. इसका नेक्स्ट का मतलब क्या होगा? बाय मतलब खरीद सके, स्वीट्स मतलब मिठाई, फॉर बीयू फेस्टिवल, जो वहां पे उनके बीयू फेस्टिवल होता था वो उसको उसके लिए मिठाइयां खरीद सके. So this is your question or answer of question third or question fourth. So next we will do our question number fifth. That is, what did Uncle Raju say? जो Uncle Raju थे उन्होंने क्या कहा था? Say मतलब कहना. What did, जब भी अब आप यहाँ पे देखोगे जब हम चैप्टर पढ़ते हैं बेटा तो हम सारा जो भी हमारी बातें होती है वो प्रेजेंट के अंदर चल रही होती है, लेकिन जब हम उस चीज़ को पढ़ चुके होते हैं और उसके बाद जब हम उनकी क्वेरीज या क्वेश्चंस कर रहे होते हैं तो उसके अंदर क्या आता है? उसके अंदर हम सारी जो फॉर्म्स होती है वो कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं? हम सारी की सारी पास्ट फॉर्म्स यूज़ करते हैं. जैसे यहाँ पे हमने डिड यूज़ किया हुआ है ना, वॉज यूज़ किया हुआ है. इन द इंस्टेड ऑफ इज एम आर, इंस्टेड ऑफ डू डज, वी जस्ट यूज़ हियर वॉज एंड डिड. Okay, so come to the point of our lecture. Our question is, what did Uncle Raju say? हमारा fifth question क्या था कि Uncle Raju ने उसे क्या कहा? So the answer is, Uncle Raju advised be careful of Ganesh. Uncle Raju ने क्या दिया? Advice means here किसी लोग को एडवाइज करना, मतलब किसी को आप बोल इन हिंदी वी कैन परामर्श देना या किसी को किसी भी चीज के ऊपर मशहूरा देना, एडवाइज हम कह सकते हैं. बी केयरफुल ऑफ गणेश, केयरफुल मीन्स
किसी से अवेयर रहना, राइट, किसी भी चीज से अवेयर रहना, किससे, गणेश से। क्यों? क्योंकि जो गणेश था, हमने चैप्टर में रीड किया, गणेश कौन था, एक एलिफेंट था, और जैसे कि हम जानते हैं एलिफेंट्स को शुगर केन बहुत पसंद होती हैं। इसका आंसर क्या बनेगा, आपको ये आंसर मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आपको ये आंसर आपके नोटबुक में लिखने हैं, सो दैट यू आर एबल टू डू योर टेस्ट इन कमिंग सैटरडे। अंकल राजू एडवाइज्ड बी केयरफुल ऑफ गणेश बिकॉज ही लाइक्स शुगर केन। ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, हु वाज गणेश, हाउ डिड द वर्कर्स गेट रिड ऑफ इट। गणेश कौन था, हु मतलब कौन, गणेश कौन था, हाउ डिड, उन्होंने कैसे, वर्कर्स ने गेट रिड ऑफ मतलब कि उनसे उसे छुटकारा कैसे पाया। ओके, सो हमारा यहाँ पे आंसर है, गणेश वॉज एन एलिफेंट, जो गणेश है वो एक एलिफेंट है। वर्कर्स टेक टॉर्चेस ऑफ फायर, वर्कर्स ने क्या किया, टॉर्चेस ऑफ फायर मतलब वहां पे उन्होंने आग जलाई, चोज दैम एज दे आर अफेयर्ड ऑफ फायर, और उन्होंने क्या किया, टॉर्चेस ऑफ फायर मतलब कि जैसे हम आग जला लेते ना, जैसे हमने लेक्चर में पढ़ा था पिछले चैप्टर में, उन्होंने क्या किया, आग जला ली और उस आग को उसके पास लेके गए, उससे क्या होता है, एज दे आर अफेयर्ड ऑफ फायर, अफेयर्ड ऑफ फायर मीन्स अफेयर्ड मतलब वो उसे डरता था, किसे, आग से, टू गेट रिड ऑफ देम, उनसे बचने के लिए या उससे छुटकारा पाने के लिए उन्होंने क्या किया, फायर की टॉर्चेस बनाई, लगाई उसमें आग और वो उसके पास ले गए। क्यों? क्योंकि जो एलिफेंट है वो टॉर्चेस से, जो एलिफेंट है वो फायर से डरता है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू अवर नेक्स्ट रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन आंसर एंड वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सरसाइज विच इज गिवन इन योर बुक। सो स्टूडेंट्स हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ।